नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव भगत जी, झारखंड कांग्रेस के एमपी और नए बने हैं। सबसे पहले उनको तो मुबारकबाद देते हैं सर। धन्यवाद अभिषेक जी, और शुभकामनाएं भी सर कि आप काम कीजिए, एमपी बने हैं तो काम कीजिए, क्योंकि झारखंड ऐसे बिहार से अलग हो गया है, लेकिन बिहार और झारखंड साथ ही साथ हम लोग हैं, चलते रहेंगे। सब सबसे पहले तो बजट की बात कर लेते हैं सर। इस बार बजट जो आया है कैसा है? अभिषेक जी ने अपने प्रारंभ में एक बहुत अच्छी बात कही थी, काम करना चाहिए। काम करने का मतलब दायित्व बोध, कोई जीत के आए तो दायित्व बोध होता है। जो जनादेश मोदी जी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, ऐसा लगता है कि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की घोर कमी है। इसलिए जो बजट प्रस्तुत किया है वो सत्ता बचाने का बजट है, 150 करोड़ जनता का ये बजट नहीं है। जिस प्रकार बिहार और हमारे चंद्रबाबू नायडू को फोकस किया गया है, ये लाचारी का बजट, व्यवस्था का बजट और वैशाखी बजट इसे मैं कहना बेहतर समझूंगा। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि वे इसे मैं चाइनीज बजट भी कहूँगा। चाइनीज बजट, उसमें वो दीर्घकालीन नहीं होती है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी ने 5 न्याय जो उन्होंने गारंटी पत्र जो उन्होंने किया था उनका उन्होंने कॉपी किया। लेकिन एक एक विलिंगनेस होता है या इच्छा शक्ति होती है, उसमें घोर कमी है। उन्होंने कॉपी किया लेकिन वो नियत नहीं है। एक दूसरी बात, जिस प्रकार उन्होंने बिहार को तवज्जो दी है, झारखंड बिहार से कटा हुआ है और न ये इसे 20-22 साल का जो अवधि होती किसी भी राज्य के विकास के लिए वो कम होता है। और लेकिन जिस प्रकार अवहेलना की गई, जिस प्रकार उपेक्षा की गई है, जिस प्रकार आज मैं समझता हूँ कि इतने मिनरल्स होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उसे उपनिवेश के रूप में देखना चाहती है, तो वो कहने का मतलब कि बिहार के साथ लगा हुआ झारखंड, झारखंड की उपेक्षा की गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें भारत के ये परिदृश्य में देखें, तो आपने देखा होगा कि अगर 24 लाख छोटे मझोले हमारे उद्योग जो है वो बंद हमारे हो गए, लेकिन उसके लिए कोई उसका रेमेडी कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया। आप ये कह सकते कि इंटरेस्ट फ्री जैसे 100 करोड़ का इन्होंने बजट दिया, 100 करोड़ तो बहुत छोटी ऊंट के मुंह में जीरा है। और दूसरी बात, उसके साथ अगर कल का है, अगर मैं थोड़े बजट से थोड़ा ये इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, जो चीजें वहां नजर आ रही है, तो आपने उसमें देखा होगा जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं उनके तो 4 टाइम्स उनके इनकम में इजाफा हुआ है, लेकिन जो मार्जिनल लेबर है उसमें 0.9 मतलब 1% से भी कम उनके आय में बढ़ोतरी हुई है। इन्फ्लेशन रेट आप देख ही रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपको कहना चाहूंगा, ये सरकार आज भी ये मैं समझता हूँ कि एन केन प्रकारेन वो सत्ता में बने रहने के लिए वो दायित्व बोध का घोर अभाव के साथ ये बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए ये लाचारी का बजट करें, कुर्सी बचाने का बजट करें और बैसाखी बजट करना, मैं समझता हूँ ज्यादा ये प्रासंगिक होगा। आप मतलब राज्य जो पड़ोसी राज्य है बिहार, उसको अच्छा खासा पैकेज मिलता है और झारखंड को कुछ भी नहीं, मतलब नाम मात्र मिलता है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बिहार बिहार को दिया गया, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि बिहार को दिया गया, लेकिन बिहार को जो दिया गया है बिहार के उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं दिया गया है। ये लाचारी में दिया गया है, अपनी सत्ता बचाने के लिए व्यवस्था में दिया गया है। महत्वपूर्ण इसलिए मैंने कहा कि नियत बहुत बड़ी चीज है। और इनका इन्होंने जो किया है, दो ही राज्य क्यों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू जी को दिया गया है, बगल के क्यों नहीं गया? यूपी जो जिनको हृदय स्थली कहा जाता है, भारत की हृदय स्थली कहता है, यूपी के जिस प्रकार अवहेलना की गई है, तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि कहीं पैसेज में एक बजट दिया गया है। और हमें लगता है कि नीति आयोग के भी अवहेलना की गई है। जो जो अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली जो बात है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट कहा जाए तो वो उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा बहुत ही उदासीन बजट है, और इसलिए मैंने इसे चाइनीज बजट और बैसाखी बजट कहना ज्यादा समय में जो उचित प्रतीत हो रहा है। लास्ट सवाल है कि आप लोहरदगा ना, लोहरदगा से आप सांसद बने हैं, तो आप अपनी बात अगर आपकी करते हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है उस अगर लोकसभा क्षेत्र की बात? दो चीजें हैं, अब तो मर्ज कर दिया गया, रेलवे बजट अलग से नहीं है, और लोहरदगा में जिस प्रकार चीजें आनी चाहिए ये इन्होंने जरूर कहा है कि हमने कुछ फोकस किया है प्रधानमंत्री आवास, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लोहरदगा से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग यहाँ काफी आप देखते होंगे झारखंड के लोग यहाँ दिल्ली वगैरह में, तो ऐसे कोई कोई योजना इनके ब्लू प्रिंट ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा छोटे मझौले जिस प्रकार उद्योग बंद किए गए हैं उनके बारे, उनको कैसे हम उनको रिलीफ दें, इसके बारे में मौन है।
ऐसे भी मोदी जी के बारे है ना कि जब कोई चीजें आती हैं तो मौनी बाबा बन ही जाते हैं। मणिपुर के बारे भी आपने देखा होगा, नीट के बारे देखा होगा, तो जहां जहां कोई बात इस प्रकार की चीज आती है तो मौन हो जाते हैं। तो आज भी मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अभी जो वर्तमान मोदी जी की सरकार है, झारखंड को उपनिवेश मान के चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर से मैं आपको बधाई दूंगा कि आप पहली बार एमपी बने हैं और काम कीजिए ताकि जिस क्षेत्र से बने हैं उस क्षेत्र का कम से कम भला हो। बाकी बजट जो आया है उस पर इन्होंने बखूबी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि बजट कोई खास बजट नहीं है, दो राज्यों के लिए बजट दिया गया है, बाकी राज्यों को तो सिर्फ दिखावे के लिए सहयोग किया गया है। आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।